सीरियल मेघावर्षी के आज के एपिसोड में धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से जो अर्जुन है वो मिस कर रहा है मेघा को। मेघा को वॉइस मैसेज भेज रहा है, वॉइस मैसेज करके वो अपने दिल की बात कह रहा है। लेकिन आपको बताते चलिए कि जैसे ही अर्जुन घर पर फोन करता है मेघा के भाई से बात होती, तो उसे पता चलता है कि मेघा तो दिल्ली में है और उसे अभी तक किसी ने बताया ही नहीं है कि पापा जी छत से गिर गए हैं, क्योंकि मेघा से बात नहीं हो पा रही है। अर्जुन ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि मेघा मुसीबत में है। अब इधर अर्जुन जो है वो अपने डिपार्टमेंट को फोन करता है और सभी को बुलाता है और मीटिंग करता है और फिर उसी जीवन सोसाइटी पर रेड डालना है। अब ये सब जीवन सोसाइटी में रेड डालने के लिए पहुंच गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मनोज जो है वो मेघा के साथ बहुत ज्यादा जाति कर रहा है, उसे मार रहा है, जबरदस्ती उसके साथ करवा चौथ बना रहा है और इसके साथ ही उसे जो है -20 डिग्री सेल्सियस की बर्फ की सिल्ली पर रख कर उसे नुपुर के साथ बंद कर दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि मेघा को थोड़ी देर के लिए मौका मिलता है और वो अर्जुन को फोन करती है और बस इतना ही बोल पाती है कि अर्जुन मैं मनोज के पास हूँ। इसके बाद जो है वो फोन कट हो जाता है और इधर मनोज जो है वो हथौरा से मेघा के ऊपर वार करता है। मेघा बेहोश हो जाती है और उसे उसी जगह पर डाल दिया जाता है जहां पर नुपुर पहले से थी, यानी बर्फ की सिल्ली पर। अब आपको बताते चले कि इतना जो है सुराग मिलना काफी था अर्जुन के लिए। अर्जुन जीवन सोसाइटी पहुंचता है और पहुंचने के बाद सीधे मैथ्यू के घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां बहुत अंधेरा होता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, वहां पर कोई उसे नहीं दिख रहा है। और तभी आपको बताते चले कि कुछ आवाज आती है। यहां पर अर्जुन को समझ में आ जाता है कि मेघा यहीं कहीं पर है। वो मेघा से बोलता है कि मेघा तुम दो बार आवाज करो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम ही हो। मेघा दो बार आवाज करती है और फिर इसके बाद आपको बताते चले कि इस अंधेरे में पीछे में जो है वो मनोज खड़ा था हथौड़ा लेकर, यानी कि अर्जुन को मारने के लिए। अब देखना दिलचस्प होता है कि क्या होगा शो में, कैसे बचेगी मेघा की जान और कैसे अर्जुन जो है वो मनोज को गिरफ्तार करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।